बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की जानिब से एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग डेली बेसिस पर आपके साथ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को शेयर करते रहते हैं। नाउ जी नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ आज अपडेट करेंगे लिबर्टी लैंड्स लाहौर की करंट मार्केट सिचुएशन के हवाले से। तो जी नाज़रीन, वीडियो को कैसे स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। जी नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको आज अपडेट करेंगे लिबर्टी लैंड्स लाहौर की करंट मार्केट सिचुएशन के हवाले से। तो जैसा कि आप लोगों को आइडिया है, तो नाज़रीन लिबर्टी लैंड्स लाहौर जो है यूनियन डेवलपर्स का प्रोजेक्ट है, और यूनियन डेवलपर्स की जानिब से आज इनसे कुछ एक डेढ़ माह पहले जो है इनके डेवलपमेंट का काम स्टार्ट कर दिया गया था यूनियन डेवलपर्स ने लिबर्टी लैंड्स लाहौर की साइट पर, और मेन बॉलीवुड पर जो है डेवलपमेंट का काम वापस स्टार्ट किया गया था। बट अनफॉर्चुनेटली डेवलपमेंट इतनी फास्ट ट्रैक पर नहीं की जा रही थी, तो जिसकी वजह से जो मार्केट थी वो बहुत ज़्यादा डाउन आई और बहुत ज़्यादा जो उसके रेट्स थे वो माइनस में आ चुके थे, और मार्केट में जो उसकी ट्रेडिंग थी वो बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन जो थी वो कम होती दिखाई दे रही थी। लोग ज़्यादातर पैनिक होकर सेलिंग की तरफ जा रहे थे, और उनको जो सेलिंग रेट था वो भी बहुत कम, लोग जो है पैनिक हो चुके थे क्योंकि उन्होंने एक महंगी बाइंग की हुई थी। तो उस टाइम पे वो लोगों ने एक अच्छे खासे ओन पर बाइंग की हुई थी, बट वो पैनिक सिचुएशन पे जब वो क्रिएट हुई मार्केट में, जब इनकी रेट जो माइनस में जाना शुरू हुए, तो लोगों ने अपनी फाइल्स को सेल आउट करना शुरू कर दिया। तो जी नाज़रीन, कुछ लोगों ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और बाइंग की, और बाइंग करके उन्होंने फाइल को होल्ड किया। तो वो आज जिन्होंने माइनस में बाइंग की थी 5 मरला कमर्शियल जो था लिबर्टी लैंड्स लाहौर का, तो वो आज वो 2 लाख के प्रॉफिट में है। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लिबर्टी लैंड्स लाहौर जो है इसकी जो रेट्स माइनस में जा चुके थे, बट दिस टाइम जो उसके रेट्स हैं वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जा चुके हैं। और इसकी वजह क्या है, इसका जो मेन रीज़न जो है, इनकी बैलेटिंग की जो डेट है वो अनाउंस कर दी गई है 30 नवंबर दिस मंथ लास्ट में बैलेटिंग की जाएगी लिबर्टी लैंड्स लाहौर में। तो इस वजह से जो मार्केट में जब ये न्यूज आई, तो इसके रेट्स में भी एक अच्छी बेहतरी देखने में आई। जो 5 मरला रेजिडेंशियल जो 70,000 रुपए पर जा चुका था ओन, जिसका तो वो अब तकरीबन कोई 2 लाख रुपए के ओन पर मार्केट में जो है ट्रेडिंग की जा रही है 5 मरला ओल्ड रेजिडेंशियल फाइल की, और 2.6 मरला जो कमर्शियल था तो तकरीबन कोई -4 लाख रुपए तक का इसका जो है बायर आ चुका था। तो बट दिस टाइम तो नाज़रीन तकरीबन को 4 लाख माइनस में ट्रेड हो रही थी फाइल, बट दिस टाइम जो उसका रेट है वो -1 लाख तक आ चुका है, यानी कि -3 लाख रिकवर हो चुके हैं। अभी भी रेट माइनस में है, बट तकरीबन कोई -1 लाख रुपए की जो है अभी भी उसका बायर और सेलर जो स्टैंड कर रहा है, इस रेट्स के ऊपर ट्रेडिंग हो रही है मार्केट के अंदर। तो नाज़रीन, ये एक खुशाइन बात है उन लोगों के लिए जो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो चुके थे, और जिन लोगों ने फाइल से अपनी मार्केट में बाई की हुई थी और इनको होल्ड किया हुआ था, और वो लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक थे, परेशान थे कि यार लिबर्टी लैंड्स लाहौर की मार्केट को क्या हो गया है, मार्केट कब बेहतरी की तरफ जाएगी, ऐसा मार्केट में क्यों हो रहा है कि इसके रेट जो है इतने माइनस में आ चुके हैं। जबकि 5 मरला जो कमर्शियल की अगर मैं बात करूं, तो 26 लाख रुपए ओन तक भी ये लोगों ने बाइंग की थी और अच्छे खासे रेट पर इसकी ट्रेडिंग हो रही थी। बट अनफॉर्चुनेटली लिबर्टी लैंड्स लाहौर की मार्केट एकदम जो है नीचे गिरी, और ये जो कमर्शियल था ये 10 लाख पे आकर टिका रहा, फिर कुछ देर के बाद 10 लाख से कमर्शियल हट के 2-3 लाख पर आ गया, और फिर ये कमर्शियल जो है माइनस में चला गया। बट इनकी जो गुड न्यूज़ आई मार्केट के अंदर, जो 30 नवंबर को जो इन्होंने बैलेटिंग डेट अनाउंस की है, तो उसका एक अच्छा रिस्पांस देखने में आया, अच्छा फीडबैक मिला उनको मार्केट में। जो क्लाइंट्स हैं, जो एंड यूजर्स हैं, उन लोगों ने जिन्होंने बाइंग करके होल्ड की हुई थी, तो वो लोग अब जो है थोड़ा सा जो उनको सुख का एक सांस कह लें, उनको वो नसीब हुआ है, क्योंकि अभी मार्केट जो है मजीद बेहतरी की तरफ जा रही है। और इंशाल्लाह ये उम्मीद की जा रही है कि लिबर्टी लैंड लाहौर की मार्केट अब इस रेट पर स्टेबल रहेगी, और मार्केट बल्कि मजीद इंप्रूवमेंट की तरफ भी जाएगी। क्योंकि नाज़रीन देखें, जब तक सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट नहीं की जाती, सोसाइटी अपना कोई ऐसी गुड न्यूज़ मार्केट में, कोई मीडिया ऐसी न्यूज़ क्रिएट नहीं करती, तो किसी भी सोसाइटी में आप चले जाएं, वहाँ पर जो है जिन्होंने बाइंग सेलिंग की होती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि मार्केट में जो सुनहरी होता है वो जैसे कि हम लोग आपको डेली बेसिस पर अपडेट करते हैं रेट्स के बारे में, तो जब वो डाउन आते हैं जिन्होंने महंगी बाइंग की होती है, तो वो लोग पैनिक हो जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो नाज़रीन, हम लोग आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं, तो इसी तरह लिबर्टी लैंड्स लाहौर की जो मार्केट है वो इस टाइम बेहतरी हो चुकी है, और आप लोग जिस टाइम यहाँ पर बाइंग कर सकती हैं, बिकॉज आप जिस टाइम अगर यहाँ पे 2 लाख के कमर्शियल ओन पे बाइंग करते हैं, तो आने वाले वक्त में अगर ये फाइल जो है इसी तरह मार्केट में इनकी गुड न्यूज़ क्रिएट होती रही, और 30 नवंबर को बैलेटिंग कर दी गई, और इसके साथ साथ डेवलपमेंट जो है फास्ट ट्रैक पर चलती रही, तो इंशाल्लाह जो यही कमर्शियल आपको अगेन 10 to 20 लाख तक ये माइट भी ये जा सकता है। ये कोई शर्त नहीं है कि वैसे, एक जो है अपना सुनारी बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह उम्मीद की जाएगी कि जो रेट वो मजीद बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह अभी एक न्यूज आते साथ ही जो -3 लाख मतलब कमर्शियल को तकरीबन कोई अब जो है अच्छे खासे 2 लाख ओन पे प्रॉफिट पे आ चुका है, यानी कि अच्छी रिकवरी हुई है एक दिन की न्यूज से, तो इंशाल्लाह यही उम्मीद है इस तरह जो मार्केट में जो अब
ऐसी न्यूज़ गुड न्यूज़ क्रिएट होती जाएंगी धीरे धीरे, ये साथ साथ लिबर्टी लैंड्स वाले अपने करते जाएंगे, तो इंशाल्लाह जो है इसी तरह जो है मार्केट बेहतरी की तरफ जाती जाएगी। तो नाज़रीन आपका लिबर्टी लैंड्स लाहौर के वाले से कोई भी क्वेश्चन है या आपकी कोई भी क्यूरीज है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की जानिब से आपको हर एक चीज़ के बारे में जो है इन्फॉर्म किया जाएगा, टाइम टू टाइम आपको अपडेट किया जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, बिकॉज इस तरह अनवल तमाम लेटेस्ट अपडेट वीडियो होंगे, इंशाल्लाह हम आपको टाइम टू टाइम ऐसे ही अपडेट करते रहेंगे। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।